तो अब ना यहाँ पर देखो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ना सेम है वो, ठीक है। एक जो है 2016 में पूछ रहा था और एक 2009 में पूछ रहा था, ठीक है। निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे, ये क्या है, फिनोल है ये C6H5OH क्या होता है, फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH होता है, जो वही चीज है वो। तो यहां पर क्या करना है, फिनोल को जो है परिवर्तित करना है किसमें, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करोगे, कैसे परिवर्तित करोगे फिनोल से बेंजोइक अम्ल। दूसरा क्या है, ये सवाल जो है फिनोल से शुरू हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है, बेंजोइक अम्ल पे, समझ लो। सवाल मतलब एक ही टाइप का है वो, इसमें फिलिंदी ब्लैंक्स में आ रखा है, इसमें किस में आ रखा है, सीधे परिवर्तित करने में। तो दो तरीके से आंसर बता दूंगा मैं इसके, ठीक है। जैसे इसको देखो पहले, इस वाले को, दूसरे वाले को, दूसरे वाले में देखो, यहां से जो है फिनोल से क्या करना है, बेंजीन बनाना है, ठीक है। फिनोल से क्या बनाना है, बेंजीन। तो फिनोल से बेंजीन बनाना है तो यहां पर क्या करना है, यहां इसके पास ओ था, ये ओ क्या हो रहा है, यहां से माइनस हो रहा है ओ, ठीक है। ओ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर इसका क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। तो हमें पता है कि जिंक के साथ अभिक्रिया होती है, यस दरस के साथ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन के सेम है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इसमें निकलेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको कर रहा हूं, मैं अगर यहां पर क्या करूंगा दूसरे का आंसर, ये लिया, यहां क्या लिया, जिंक, जिंक के साथ अभिक्रिया करूंगा, क्या माइनस हो जाएगा, जेड एन ओ आ जाएगा उसके साथ, माइनस जेड एन ओ। और यहां ये एच जुड़ जाएगा, क्या बन गया, बेंजीन, ये बन गया। सिर्फ यहां पे भरना था कि क्या आएगा, यहां पे जिंक आएगा बस, यहां पे क्या आएगा, जिंक। उसके बाद क्या, यहां पर देखो CH3Cl किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3। तो ये ना फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया है, बेंजीन देंगे इसमें क्या होगा, CH3Cl की अभिक्रिया करवानी, करवा रखी है पीछे। तो CH3 क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और यहां पे जो H है वो H किस रूप में निकल जाएगा, HCl। तो ये क्या हो गया, फ्रिडल क्राफ्ट ये हो गया, और क्या जुड़ जाएगा, CH3, टॉलुइन बन गया ये। जब बेंजीन से CH3 जुड़ता है क्या बनता है, टॉलुइन, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, टॉलुइन हो गया, ठीक है। ये तो दे ही रखा था। इसके बाद देखो यहां पर क्या करना है, ये लाना है COOH, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, यहां पर रखना है कुछ, तो यहां पे जैसे ना अगर रखना है तो KMnO4 रखना है, ठीक है। KMnO4 क्या करेगा, इस CH3 समूह को COOH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। KMnO4 क्या कर देगा, जो तुम्हारा CH3 समूह है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, KMnO4 पर्पल ऑक्सीकारक। तो यहां पर जो फिलिंदी ब्लैंक्स में आएगा KMnO4, और साथ में ना क्षारीय KMnO4 या अम्लीय KMnO4 लेना, प्लस KOH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और पहला सवाल देखो वही बोल रहे हो, निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे, मतलब फिनोल को कैसे प्राप्त करोगे, क्या, बेंजोइक अम्ल, यही दिए चला। ये 2016 में ऐसे पूछ लिया, 2009 में इस तरीके से फिल्म डिजाइन से बना करो, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है ये। इस वाले का आंसर क्या हो गया, ये हो गया इसका फिलिंग ब्लैंक्स है। तो एक तो ये था तरीका, मतलब जो इसका आंसर था, ये क्या है, दोनों के आंसर है ये वाला, यही तो है। इसको क्या बोलते हैं, C6H5OH बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, C6H5COOH। तो पहले का आंसर भी और दूसरे का भी, पहले का आंसर दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है, इसको नोट करो। तो
इसको ना इसी आंसर को रखो। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर इसका तो जो ये फिनॉल है इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाना, जब PCl5 के साथ करवाओगे तो POCl3 निकलेगा, HCl निकलेगा और क्या जुड़ जाएगा वहाँ Cl फिनॉल से, तो Cl जुड़ जाएगा, OH निकलेगा, C6H5Cl बन जाएगा वो क्लोरोबेंजीन। उसके बाद क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराना, CuCN या KCN के साथ करवा लेना, तो वहाँ पर साइनाइड जुड़ जाएगा तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, वो साइनोबेंजीन का क्या करवा देना फिर ऑक्सीकरण, C OH जोड़ देना। तो दूसरा तरीका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे वो है क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, क्या होता है जब फिनॉल का क्या करवाएंगे ऑक्सीकरण। तो इससे पहले वाले में क्या था, दोनों के आंसर थे वो, ठीक है। ये पूछ रखा है 2015 में, क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जो फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है वो अलग अलग तरीकों से होता है। एक तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जैसे बेंजोक्विनोन बनता है, ठीक है, क्या बनता है बेंजोक्विनोन, तो अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे उत्तर है तो वायु द्वारा ऑक्सीकरण होता है, परसल्फेट द्वारा ऑक्सीकरण होता है, मतलब कोई ऑक्सीकारक चाहिए होगा, ठीक है। तो पहला जो है वो है वायु द्वारा ऑक्सीकरण, वायु द्वारा ऑक्सीकरण। तो वायु द्वारा जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले पैरा बेंजोक्विनोन बनता है, ठीक है, उसके बाद अंत में क्या बनता है फिनोक्विनोन, क्या बनता है फिनोक्विनोन। तो जैसे रिएक्शन है ये, ओ एच क्या करवाना है ऑक्सीकरण करवाना है, तो किसकी उपस्थिति में, वायु जो है O2 कहां से, वायु से, ठीक है, और प्रकाश भी होगा H न्यू, ठीक। तो यहां पर क्या बोला, यहां पर क्या बनेगा बेंजोक्विनोन बनेगा, ये बनेगा, ये ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पैरा बेंजो क्विनोन, पैरा बेंजो बेंजो क्विनोन, ठीक है, पैरा बेंजो क्विनोन। ये बनेगा। तो यहां पर देख सकते हो O यहां जोड़ा, O यहां जोड़ा, ठीक है, बाकी यहां से जब O जोड़ा तो यहां से क्या निकला होगा H निकला होगा, यहां से क्या निकला H, ऑक्सीजन कितना है टोटल 2 और 1 3, यहां ऑक्सीजन कितना आया 2, मतलब माइनस क्या हुआ H2O, माइनस क्या हुआ H2O। जब ये बन जाता है पैरा बेंजोक्विनोन, इसका ना C2H5OH के साथ रिएक्शन करवानी, किसके साथ C6 मतलब फिनॉल के साथ, वापस से किसके साथ फिनॉल के साथ ऑक्सीकरण। तो यहां पर जो है ये देखो फिनॉल ही ले रहा हूं मैं, ये ठीक है, किसके साथ करवानी है फिनॉल के साथ। तो जैसे ही फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाओगे यहां पर देखो ये बनेगा,
ये बना OH, ठीक है OH। अब इससे जो है ये जुड़ता जाएगा इस तरीके से, इधर से O आएगा, ठीक है। आगे जो है डबल बॉन्ड, ये जो आ रहा है इससे क्या जुड़ गया, ये OH जुड़ गया। उसके बाद आगे भी सेम होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअल में S है ये, ठीक है। और आगे जो है यहां पर क्या होगा, यहां से H O, इसको ना जो ये बन रहा है एक प्रकार से, इसको फिनो क्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनो क्विनोन। ये इस तरीके से जुड़ता जाएगा, मतलब इस OH से जो है यहां पर ना जैसे OH हुआ, फिर ये इस तरीके से H O, और यहां से क्या जुड़ेगा, ये इस तरीके से, तो यहां पर एक्चुअल में जो ये जुड़ रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ रहा है, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा, इस तरीके से ये रेंज चलती रहती है। हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन, क्या बोलो मैंने इसको, क्या बोलते हैं? फिनो क्विनोन बोलते हैं, फिनो क्विनोन, फिनो क्विनोन। ये है वो पूरा, अगर आगे दिक्कत हो रही देखने में, ये OH, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH, ये यहां देखो कुछ नहीं हुआ, यहां पे ना ये फिनोल आया और ये फिनोल आया, ठीक है। यहां पर जो है बीच में क्या है, फिनोक्विनोन था ही, बीच में क्या था, फिनोक्विनोन था ही, उससे जुड़ रहे हैं, मतलब ये है, ये इस तरीके से। बीच में जो तुम्हारा क्या था, बेंजोक्विनोन था, उसके साइड से क्या जुड़ गए, ये फिनोल जुड़ गए, कितने, दो, ये है एक्चुअली। तो क्या नाम बोला इसका, फिनोक्विनोन वो कहे। तो पहले क्या बना, पैरा बेंजोक्विनोन, पहले पैरा बेंजो क्विनोन और अंत में क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, फिनोक्विनोन बनेगा, अंत में फिनोक्विनोन बनता है, ये है जो, इसके बाद जैसे क्रोमिल क्लोराइड द्वारा विभक्तिकरण होता है, सेम अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, ये वायु द्वारा था, तो पर सल्फेट द्वारा ऑक्सीकरण से क्विनोल बनता है। क्विनोल में क्या रहता है, कीटोनिक समूह, क्विनोल में क्या होगा, एल्कोहलिक समूह। तो यहां पर जो है, ठीक है, पर सल्फेट द्वारा ऑक्सीकरण है, ठीक है। तो बंद करवाओ उसको, किसका है वो, ये और फोन ही है चला रखा है, है? ये फिनोल है, ठीक है।
इसका क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। लेकिन पर सल्फेट K2H2 O8, ठीक है, K2H2O8, ये जो होगा ये अल्कोहलिक होगा, तो ये ना मतलब ऑक्सीकारक का काम करेगा। ये कुछ नहीं किया इसने, क्या किया यहाँ पैरा पे जो है ऑक्सीजन जोड़ दिया बस, बाकी तो OH ऊपर था ही, यहाँ पे H रहता ही है, इससे क्या जोड़ दिया O, तो इसको क्या बोलते हैं, क्विनोल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्विनोल। तो इस रिएक्शन को ना एल्बस परसल्फेट अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन, एल्बस परसल्फेट अभिक्रिया। तो ये फिनोल के ऑक्सीकरण से एक बार क्विनोल बना, एक बार क्या बना, फिनोल क्विनोल। तो अगला देखो, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होने वाले यौगिकों नाम सूत्र लिखिए। तो एथिल अल्कोहल का जो है निर्जलीकरण करवाया जाता है, ठीक है, वो करवाया जाता है अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और टेम्परेचर रखा जाता है 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पर क्या प्राप्त होगा, एथिलीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एथिलीन। तो देखते हैं किस तरीके से एथिलीन बनता है। एथिल अल्कोहल के उत्तर एथिल अल्कोहल लिया, ठीक है, सांद्र H2SO4, टेम्परेचर कितना, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, एथीन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एथीन, और साथ में क्या निकलेगा, जल। तो रिएक्शन देखते हैं किस तरीके से, CH3 CH2 OH, वही कंडीशन है H2SO4, 160 डिग्री से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब यहां देखो, हमने ना यहां से तो OH निकलेगा, H2O माइनस करना है, ये अल्फा कार्बन होता है जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा। अल्फा कार्बन से क्या निकाल रहे हैं, OH, तो बीटा से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। अल्फा से क्या निकाला, OH, यहां से निकाला, और इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने बच जाएंगे, दो, तीन है ना, तो कितने बच जाएंगे, दो, और यहां से OH निकलेगा, यहां CH2 ही रहेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2, क्या बन गया, एथीन बन गया। एक तो ये हो गया, एक ना एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर भी बनता है, क्या बनता है, ईथर भी। तो इसको नोट करो, पहला ये है, सूत्र भी लिख दिया, नाम भी लिख दिया, ये एथीन आ गया, इसका नाम एथीन है। इसके बाद दूसरा देखो, तो एथिल अल्कोहल ही लेना है, लेकिन यहां पर जो है टेम्परेचर क्या कर देना है, कम कर देना है, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो CH3CH2OH CH2OH ये H2SO4 के साथ
या फिर मैं तुम्हें ये देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री से 100 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर CH3 CH2 OH कितना लेना है? दो। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण ही करना है। क्या करना है? निर्जलीकरण। तो यहां देखो इसमें कैसे होगा, ये होगा ये CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, यहां से H निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा OH माइनस क्या हो जाएगा H2O, क्या माइनस हो जाएगा H2O, और ये और क्या सारा का सारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 बन जाएगा, मतलब डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर। तो H2O क्या हो गया, निकल गया और क्या बन गया C2H5O C2H5। इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर है ये इसका नाम। ठीक है, तो जब मैंने क्या किया, अल्कोहल को आधिक्य में लिया, मतलब अधिक मात्रा में H प्लस की उपस्थिति में क्या बनेगा, वहां पर ईथर बन जाएगा। तो इसके बाद देखो, जैसे पहला है जो मेथेनॉल तथा एथेनॉल के एक विभेदन पहचान लिखी, मतलब अभिक्रिया देनी है। अब अभिक्रिया किस तरीके से देनी है कि एक देगा और एक नहीं देता होगा, जैसे मेथेनॉल दे रहा है या एथेनॉल नहीं दे रहा है। ठीक है, या फिर एथेनॉल दे रहा है या मेथेनॉल नहीं दे रहा है। तो कौन सा परीक्षण है? आइडोफोम परीक्षण है हमारे पास। ठीक है, आइडोफोम परीक्षण क्या बोल रहे हैं, मेथेनॉल तथा एथेनॉल के एक विभेदन पहचान वाली अभिक्रिया देनी है। तो कौन सा परीक्षण आता है? आइडोफोम। आइडोफोम परीक्षण एथेनॉल देता है, मेथेनॉल नहीं देता है। ठीक है, तो पहले का जो उत्तर है वो क्या है, आयोडो फॉर्म परीक्षण। इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम, एथेनॉल और मेथेनॉल को अलग अलग पृथक कर सकते हैं, मतलब अंतर कर सकते हैं उनमें, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनको। तो जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल NaOH I2K, एथेनॉल को NaOH प्लस I2K विलयन के साथ गर्म करने पर आयोडो फॉर्म पीला अवक्षेप बनता है, जबकि मेथेनॉल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। ठीक है, जबकि मेथेनॉल CH3OH आयोडो फॉर्म नहीं बनाता है।
अब जैसे रिएक्शन देखो किस तरीके से, C2H5OH ठीक है, ये क्या करेगा अभिक्रिया देता है, ये क्या है एथेनॉल है, ये क्या है एथेनॉल है C2H5OH, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2OH ठीक है। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, NaOH और I2 के विलयन के साथ, आयोडीन लिया और NaOH लिया ठीक है। आगे जैसे ही अभिक्रिया करवाते हो तो क्या प्राप्त होता है, एक आयोडो फॉर्म का पीला उच्छेद CH I3, क्या पीला अवच्छेद ठीक है, आयोडो फॉर्म परीक्षण ये इसीलिए बोल भी रहे हैं क्योंकि किसी से निर्माण होता है आयोडो फॉर्म। अब देखो चीजें क्या क्या निकलेगी, एक कार्बन तो आ गया सी के पास, दूसरा क्या बनता है HCOONa बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं इसको ठीक है। तीसरा क्या बनेगा Na के साथ I आएगा, Na I और क्या निकलेगा H2O ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस करनी है तो यहां 4 करना, यहां 6 करना ठीक है 46। आगे देखो, अब देखो आगे यहां Na कितना है, यहां 6 है, Na यहां 1 है, यहां कितना है 1, तो मतलब यहां पर कितने मल्टीप्लाई करो 5, 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया। I कितना है यहां 4 × 8, I कितना है यहां 5 × 3 = 8 ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं 1 × 6 = 7, ऑक्सीजन यहां देखो 2 × 1 = 3 ही है, मतलब एक जगह मुझे कितने गुणा करनी पड़ेगी 5 की। नंबर याद रखना है 46 55, यहां पे क्या है 46 आगे क्या आ रहा है NaI के साथ और H2O के साथ 55 आ रहा है, जबकि जो है मेथेनॉल नहीं देने वाला है अभिक्रिया ठीक है, मेथेनॉल ये अभिक्रिया नहीं देता है, कौन देता है एथेनॉल देता है। तो जैसे हमें मेथेनॉल एथेनॉल को अलग अलग करने पे यहां पर क्या कर सकते हैं अभिक्रिया करवाई, एक में अभिक्रिया ही नहीं होगी, एक में क्या हो जाएगा पीला उच्छेद बन जाएगा, इसका मतलब विभेद हो रहा है, अंतर हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अल्कोहल तथा फिनॉल में विभेद करना है, अंतर देने ठीक है, अल्कोहल तथा फिनॉल में क्या करना है अंतर देना। तो ये आयोडो फॉर्म परीक्षण कितनी बार आ गया ये देख लो ठीक है। इसके बाद देखो अल्कोहल तथा फिनॉल में क्या करना है अंतर, तो एक बॉक्स अल्कोहल का बना लो और एक किसका बना लो फिनॉल का, इसका फिनॉल का ठीक है। तो और परीक्षण लिख लो यहां पर, तो पहला जैसे है NaOH से अभिक्रिया, NaOH से अभिक्रिया, तो NaOH से अभिक्रिया जो है फिनॉल करेगा, फिनॉल क्या करता है NaOH से अभिक्रिया करता है, लेकिन जो अल्कोहल होगा अभिक्रिया नहीं करेगा ठीक है, अभिक्रिया नहीं, मतलब ऐसा नहीं करेगा नहीं, लेकिन कठिनाई से ऐसा वाली बात है वो ठीक है। फिनॉल क्या करेगा अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड
सोडियम फिनोक्साइड का अवक्षेप का बनाता है जो कि विलेय होता है, जो कि विलेय होता है। दूसरा जैसे FeCl3 मिलाने पर FeCl3 से, ठीक है, FeCl3 से, तो FeCl3 के साथ अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है, लेकिन जब फिनोल के साथ करवाते तो बैंगनी कलर आता है वहां पे, बैंगनी रंग। यहां पर क्या है, अभिक्रिया नहीं। इसके बाद जैसे NaOH+I2 से अभी किया था हमने, किससे NaOH प्लस I2 के साथ गर्म करने पर, ठीक है, तो जो अल्कोहल होगा वो अभिक्रिया देता है, आइडो फॉर्म बनाता है। एथेनॉल लिया था ना, तो वहां पे क्या उसने अभिक्रिया की थी, तो अभिक्रिया करके क्या करता है, आइडो फॉर्म बनाता है, ठीक है, आइडो फॉर्म का निर्माण। और जबकि जो है फिनोल के है अभिक्रिया नहीं करता है, कोई अभिक्रिया नहीं। इसके बाद अगला है जैसे K2Cr2O7 और तनु H2SO4 लेने पर, सांद्र नहीं बोला, क्या बोला, तनु ऑक्सीकारक है ये, K2Cr2 पोटेशियम डाई क्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाई क्रोमेट, K2Cr2O7 और तनु H2SO4, तो फिनोल के कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि जो अल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है, तो अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, या फिर क्या इसमें तनु में एल्डिहाइड ही देगा, यहां पर क्या है कोई अभिक्रिया नहीं। कोई अभिक्रिया नहीं। इसके बाद जैसे क्वथनांक है तो फिनोल का अधिक होता है, क्या बोला, क्वथनांक फिनोल का क्या होता है अधिक और अल्कोहल का क्या होता है कम, ये एक क्या आ गया, अल्कोहल और फिनोल में अंतर आ गया, विभेद आ गया।